हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस एडिट। तो गाइस कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। गाइस तो तुम्हारा भाई फिर से लेके गाइस एक न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग। गाइस तो सबसे पहले गाइस आपको स्टेटस दिखा देता हूं। गाइस उससे पहले गाइस आज की इस वीडियो के अंदर गाइस किस चैनल का प्रमोशन होने वाला गाइस वो जल्दी से चल के देख लेते गाइस। तो इधर आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी गाइस, तो यहां पे इस चैनल का नंबर आ चुका गाइस। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गाइस, तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करना। तो कल ना आपका नंबर भी आएगा गाइस, तो ये भाई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा गाइस। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस अब दिखा देता हूं आपको स्टेटस। तो स्टेटस देखिए गाइस, गाइस स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस, और इसी तरह का सेम टू सेम स्टेटस बनाना गाइस वो वन फोटो के ऊपर। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी गाइस। और गाइस अगर आप भी अपना चैनल प्रमोशन करवाना चाहते हो फ्री के अंदर, तो गाइस ये चार स्टेप फॉलो कर लेना, आपका चैनल भी प्रमोशन हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइस ये चार स्टेप कौन कौन से वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, तीसरा गाइस इस वीडियो के अंदर एक कमेंट जरूर करना, चौथा गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। ठीक है गाइस, जो गाइस ये चार स्टेप फॉलो करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा गाइस। जो हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको पता है। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बताता हूँ इस तरह का स्टेटस आपको कैसे बनाना। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो इस वीडियो को बनाने के लिए केवल आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अलाइट मोशन की। अगर आपको अलाइट मोशन का मोड वर्जन चाहिए गाइस, तो वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, एक लिंक मिलेगा, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे वेबसाइट पर जाएगा। वेबसाइट से इन दोनों प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर लेना। पहला रहेगा हम असाइडेड बिटमैप प्रोजेक्ट, और दूसरा रहेगा हम असाइडेड इफेक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है गाइस, अगर आपको दोनों प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वाली वीडियो को जाके देख लेना। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कैसे प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना। ठीक, उस वाली वीडियो को देख के आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको बिटमैप वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लें। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या गाइस, सबसे पहले आपको फोटो एड करना होगा जिस भी फोटो पे आपको वीडियो बनाना है। ठीक है गाइस, तो आपको करना क्या गाइस, फोटो एड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहां से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है। ठीक है, अब देखिए गाइस हमारे को ये वाली फोटो ऐड करना गाइस। ठीक है, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फोटो को फुल स्क्रीन करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए गाइस ये फोटो यहाँ तक ही है, अब इसको एंड तक करना है। इसी फोटो पे क्लिक करके एंड के अंदर चले जाओ, और एंड के अंदर जाने के बाद इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, फोटो एंड तक आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक हम आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपको देखिए गाइस वापस स्टार्टिंग के अंदर आना, फोटो को आपको बैकग्राउंड के अंदर लेना होगा। अभी आपको ऊपर ऊपर फोटो शो हो रही होगी, अब इस फोटो को बैकग्राउंड के अंदर लेने के लिए इस फोटो को इस प्रकार से होल्ड करके रखना, इस प्रकार से नीचे ले आना, स्क्रॉल करके जो आपका सॉन्ग है सॉन्ग के जस्ट ऊपर लाके इसको शेड कर देना। अब आपको इसके अंदर देखेगा कुछ इस प्रकार से इफेक्ट भी देखने को मिलेगा स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, अब और उसके बाद में इस प्रकार से यह इफेक्ट इसके अंदर ऑलरेडी लगे हुए गए। अब आपको करना क्या गाइस, ठीक है, अब आपको आगे आना, इस बिटमैप पे आ जाना, यहाँ पे देखिए गाइस लिरिक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो मेरे तो हिंदी के अंदर आ रहा है, देख सकते हो गाइस। ठीक है, आपको इंग्लिश के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका आपको फोन चेंज करना, फोन कैसे चेंज करना, लिरिक्स पे क्लिक करना, डबल एडेक्स पे क्लिक करना, ऊपर जाना गाइस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करके ये वाला फोन डाउनलोड कर लेना, इस वाले फोन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो इस फोन को डाउनलोड करके ऐड करके जैसे चेंज करोगे गाइस, तो हिंदी के अंदर दिखने लग जाएंगे आपको जो लिरिक्स है ना, वो हिंदी के अंदर दिखने लग जाएंगे। तो जितने भी लिरिक्स है गाइस इनका आपको सभी का फ़ॉन्ट आपको चेंज कर लेना गाइस, देख सकते हो आगे भी जितने लिरिक्स है सभी के आपको फ़ॉन्ट चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रहेंगे लिरिक्स इस बिटमार्क तक 15 सेकंड तक, तो आपको यहाँ पे सभी का आपको फ़ॉन्ट चेंज कर लेना। ठीक है, अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपने इसके अंदर देखा होगा गाइस इफेक्ट भी आता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने काम कंप्लीट कर लिया गाइस। ठीक है, 15 सेकंड के बाद में आपको इफेक्ट लगाना होगा एंड तक। ठीक है, इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से आपको बैक आना, बैक आने के बाद इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर जाना है, आपको ये वाला लेयर मिलेगा, ये वाला ऊपर ऊपर। ठीक है, इस वाले लेयर पे क्लिक करना, प्लस लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर पे क्लिक कर दोगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना, बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 15 सेकंड पे आ जाओ सीधा। 15 सेकंड पे आने के बाद प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे ये लेयर पेस्ट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपकी फोटो के अंदर इफेक्ट आपको दिखाई देगा, जो देख सकते हो इस प्रकार से आ रहा है। अब ये इफेक्ट आपको जितने बिटमार्क है एंड तक आपको लगाना है। अब कैसे लगाना कि और मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से आपको पेस्ट करते जाना। ठीक है,
जैसे अगले बीट मार पे आए प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना, ठीक है। और देखिएगा इस थोड़ा सा ज़्यादा इसको काटना है तो इसी लेयर पे क्लिक करना, स्पीड पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, कट जाए। फिर आपको फिर से आपको लेयर को पेस्ट करना होगा, फिर से प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना, फिर से लेयर पेस्ट हो जाएगा। फिर अगले बीट मार पे जाना, पीछे के स्टेप काटना अपन को, इसी पे क्लिक करना, स्पीड पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, कट जाए। इसी प्रकार से गाइस आपको एंड तक पेस्ट कर देना सभी जितने बीट मार के ना, ठीक है। तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पेस्ट कर देना इस प्रकार से जो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है गाइस। इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना एंड तक, ठीक है, जितने बीट मार के, ठीक है। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। अब आपकी जो फोटो के अंदर कुछ इस प्रकार से इफेक्ट दिखाई देगा, एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ, तो देखिए गाइस, ठीक है गाइस। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। अभी आपको करना क्या गाइस, अभी देखिए गाइस फोटो के अंदर एक सिंपल कलर आ रहा है, जैसे अपन को इसका कलर चेंज करना चाहिए, जो पूरा जो ड्रेस का कलर है गाइस वो भी चेंज होगा। अब वो करने के लिए आपको स्टार्टिंग के अंदर आना, फोटो है ना गाइस, फोटो पे क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद में यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में चले जाओ, यहाँ पे लिखना एच यू, इस प्रकार से लिखना एच यू, ये इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे ऊपर ऊपर आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना, स्टार्टिंग सेटिंग यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ये इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसके अंदर सेटिंग करनी है गाइस, तो सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग के अंदर आ गए ना, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर एक प्लस दे दो, ठीक है, और उसके बाद ना इस प्रकार से एंड के अंदर आ जाओ और फिर से एक प्लस दे दो, ठीक है। प्लस देने के बाद जैसे एंड में प्लस दे दोगे ना गाइस, फिर अब आपको इसको बढ़ाना है, ठीक है। अभी ये 0-0 है, तो इस प्रकार से आपको बढ़ा देना है, ठीक है। कितना बढ़ाना गाइस, देखिए यहाँ पे ऊपर 1 है ना, तो इसको 3 तक करना, ठीक है। 2 हो गए, अभी आपको 3 तक करना है, तो देखिए गाइस 3 हो गए, 3 तक हमने कर लिया। अब आपको चला के दिखा देता हूँ वापस, तो किस प्रकार से ये काम कर रहा है। तो यहाँ से हम बेक आ जाते, और बेक आने के बाद हम वापस स्टार्टिंग के अंदर जाते हैं इस प्रकार से, और अब आपको चला के दिखा देता हूँ, तो गाइस किस प्रकार से कलर चेंज हो रहा है जो दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए गाइस इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है गाइस। तो आपको जो कि कलर भी चेंज हो रहा है, एक बार आगे देखिए, थोड़ा सा आगे चला के दिखाता हूँ, तो देखिए गाइस पूरा ड्रेस का पूरा कलर भी चेंज हो रहा है, जो देखिए देखने में कितना शानदार तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। अभी आपको इसके अंदर बॉर्डर PNG और आपने पार्टिकल देखा होगा वो लगाना होगा, वो लगाने के लिए यहाँ से आपको बेक आना, बेक आने के बाद इफेक्ट ऑल प्रीव्यू को ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद सबसे ऊपर वाला लेयर इसको छोड़ के ये 3 लेयर और है इनको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी कैसे करना मैं बता देता हूँ, तो देखिए गाइस ये ग्रुप 3 है ना, इसको इस प्रकार से होल्ड करके रखना, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले पे क्लिक करना, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, फिर ऊपर वाले पे फिर से क्लिक करना, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके अंदर प्लस लेयर पे क्लिक करो, कॉपी 3 लेयर पे क्लिक कर दो, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद यहाँ से आपको बेक आ जाओ, बेक आने के बाद बीट मार्क प्रिज को ओपन कर लो, ओपन करने के बाद स्टार्टिंग के अंदर आ जाना, प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट 3 लेयर पे क्लिक कर देना, तो तीनों लेयर यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे गाइस, जो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। जो पार्टिकल भी आ रहे गाइस, जो कितना शानदार तरीके से पार्टिकल लग रहा है, और आपका वीडियो देखिए गाइस आज पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा काम बाकी रहेगा गाइस, वो मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए गाइस थोड़ा सा आगे चल के दिखा देता हूँ, तो आपको देखिए गाइस सिंपल जगह चल के दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने अपना लोगो लगा रखा है, नाम लिख रखा है, ठीक है, जैसे MS एडिट राजस्थानी स्टेटस, यहाँ इस प्रकार से लिख रखा है। इसको आपको चेंज कर लेना, क्या कैसे चेंज करना गाइस, देखिए आपको ये 3 नंबर वाला ग्रुप है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद एडिट ग्रुप पर क्लिक करना, उसके बाद देखिए गाइस सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर वाला लेयर, यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है MS एडिट राजस्थानी स्टेटस, ठीक, इस प्रकार से लिख रखा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए डबल एडिट पे क्लिक कर देना, उसके बाद में देखिए गाइस यहाँ पे हमने लिख रखा MS एडिट, ठीक है, तो इसको काट देना यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राजस्थानी स्टेटस से यहाँ पे आप जो भी यहाँ लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको काट देना इस प्रकार से, ठीक, जैसे इस प्रकार से काट के अपना जो भी नाम है वो लिख दो गाइस, ठीक है। तो मैं वापस लिख रहा हूँ MS एडिट लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको इस प्रकार से लिख देना, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EDIT, ठीक है, तो देखिए गाइस लिख दिया, और उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब देखिए गाइस फिर एक बार और बैक आ जाए, तो अब आपका वीडियो पूरा कंप्लीट बन चुका है गाइस, ठीक है। यहाँ पे लिरिक्स एकदम अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ ऐसे अच्छे से काम कर रहा है गाइस, वीडियो पूरा कंप्लीट बन चुका है। अभी देखिए गाइस यहाँ पे होता क्या है, जैसे हमने इस ग्रुप में काम कंप्लीट किया, तो हो क्या रहा है गाइस, ये देखिए 3 नंबर वाला ग्रुप किसकी लंबाई कितनी साइज बढ़ गई गाइस, ठीक है। तो अपन को तो इतना ही स्टेटस रखना है, यहाँ तक ही इस बीट मार तक रखना है, 21.12 सेकंड तक रखना, पीछे का स्टेप अपन को काटना, तो इसी लेयर पे क्लिक करना 3 नंबर वाले पे, स्पीड पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, कट जाएगा। फाइनल गाइस आपको वीडियो पूरा कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक बार बैक करना है, बैक करने के बाद अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना गैलरी के अंदर, इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना, उसके अंदर वीडियो पर सेलेक्ट करना, उसके अंदर इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना, उसके अंदर एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन गाइस वो सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना, जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रहा है गाइस वो रख लेना, तो मेरे फोन में 1080 सपोर्ट कर रहा, तो मैं 1080 रख लेता हूँ, इसको फुल कर देना। अगर क्वालिटी का मैं तो क्वालिटी को इस प्रकार से फुल करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना गाइस, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगा। इसके पूरी 100% एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे सेव का बटन आ जाएगा, सेव के बटन पर क्लिक कर देना, आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गाइस।